नाजरीन देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमरा मलिक। नाजरीन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़कियां मतलब लड़कियों को ज़्यादातर आगे नहीं जाने दिया जाता ये कहकर कि तुम एक लड़की हो तुम ये काम नहीं कर सकती। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि वो एक फीमेल होने के बावजूद एक वो पूरी एजेंसी चला रही है। किंजा फारूक इनका नाम है जो कि पाकिस्तान की पहली ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट वुमन है और एक एजेंसी चला रही हैं जिसमें वो ये सारा काम सिखा रही हैं। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, किंजा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है आपको मॉर्निंग शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देसी टीवी का थैंक्स अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा और मुझे बुलाया। बिल्कुल, यू डिजर्व कि आप यहाँ पे आए और उन फीमेल्स को ये मैसेज दें कि जिनको मतलब ये लगता है कि यार मैंने ये नहीं कर सकती, जब मतलब घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। आप देखें, एक फीमेल होके आपने मतलब पाकिस्तान में पहली बार ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट वुमन है अभी इस वक्त आप, और माशाल्लाह से एक एजेंसी चला रही हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि एजेंसी आने का मतलब ये ख्याल कैसे आया? घर की कोई सपोर्ट थी या आपने खुद से ये सोचा कि मुझे ये ऐसा करना चाहिए? घर की भी सपोर्ट थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट निमरा में बताऊं तो स्टार्टिंग में आपको पता है एज अ फीमेल आपको काफ़ी हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती है। ये तो बात है, ठीक है। तो मैंने इस काम को 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन पहले मैं प्राइवेट लेबल कर रही थी, मैं एक्चुअली वर्क कर रही हूँ अमेजोन पे। अच्छा, तो अमेजोन ना दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है, ठीक है। तो हम मैं उस पर वर्किंग कर रही हूँ, तो उस पर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। तो प्राइवेट लेबल में तो आप समझे नए सिरे से आपको पूरी लॉन्चिंग करनी पड़ती है। तो पहले मैं उस पर वर्क कर रही थी तो मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ, तो देन आई स्विच। लेकिन मैंने अमेजोन की फील्ड को नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे उसकी पोटेंशियल का अंदाज़ा हो गया था। लेकिन मैंने उसमें फिर ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड से बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई और आप हमारी ऑन एयर, आप हमारे वो जो ऑडियंस हैं उनको, ये हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप ये सब बता रही हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ये जो ई कॉमर्स है एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसमें काम क्या होता है? निम्रा, ई कॉमर्स कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन जो हम करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल कॉमर्स इसको आप कह सकते हो। एक तो बाइंग एंड सेलिंग होती है ना जो लोकल होती है, जो आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हो ना, जैसे दराज पे, फेसबुक पे, तो इंस्टाग्राम पे भी, तो ये जितने भी मार्केट्स हैं ना जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, तो ये आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कर रहे होते हो लेकिन ऑनलाइन कर रहे होते हो। तो इसमें हम मतलब फीमेल्स या मेल या जो भी है घर बैठ कर भी काम कर सकता है? बिल्कुल काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। आपकी मर्जी, आप उस प्रोडक्ट को स्टोर में रख रहे हो अपने पास, या आप कोई आउटसोर्स कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अपने अंकल की शॉप की भी मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है पीछे से परचेज करके भी सेल कर सकते हो। तो ये जो सिनेरियो है ना, इसको आप ई कॉमर्स कहते हो। इसमें आपको पास ये पाबंदी नहीं होती कि आपने कहीं जाना है या कुछ भी, आप अपने घर से बैठ के ईजिली अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो आपने मतलब जब अपने मतलब कैरियर का स्टार्ट किया और इससे पहले जब आप स्टडी कर रही थी, तो आपने मतलब ई कॉमर्स का ही इंतखाब क्यों किया? फिर आपको इसमें क्या इंटरेस्ट था, मतलब आपने क्या सोचा, क्या देखा, मतलब आपने कहा कि मैंने ई कॉमर्स ही करना है? एक्चुअली हुआ ये कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट हुआ ये कि मेरी पूरी लाइफ ना कराची की है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग 2.5 साल पहले ही यहीं पे शिफ्ट हुए थे, लेकिन आपको पता है फिर कोरोना आ गया। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मेरे बाबा एक्चुअली आर्मी से रिटायर्ड हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर हम लोगों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी क्योंकि हम रिसेंटली शिफ्ट हुए थे, तो क्योंकि भाई भी जॉबलेस थे, फादर के पास भी यहाँ पे कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, तो मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तो आपको पता है यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस का। बिल्कुल। तो बस मैं चाह रही थी कि मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। मैंने ऑनलाइन प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया है, लेकिन उसमें मुझे स्कोप नजर नहीं आया। देन आपको पता है कि फेसबुक, यूट्यूब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है, आपके सामने खुद आपकी, आप कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं ना, वो आपके सामने खुद आना शुरू हो जाती है। तो मैंने काफी लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखी, इस फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया, देन मैंने इसको रीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड से बहुत खुश हूँ। शायद ये मेरा एम भी नहीं था लाइफ में। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं इस फील्ड में। अच्छा, मतलब ई कॉमर्स को समझने में कितना वक्त लगा आपको? ई कॉमर्स को समझने में मुझे 15 डेज जस्ट।
देखिए क्यों, क्योंकि पहले आप अगर दूसरों को देख रहे होते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, कौन कमा सकता है 1-2 लाख घर में बैठ के, ये वाकई है। ठीक है, उनको लगता है कि बस ऐवे लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। वो आप ये भी कह सकते हो मंजन बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले मैं देख रही थी, लेकिन जब मैंने प्रॉपर इस फील्ड को स्टडी करना शुरू किया, इस पे वर्क किया, मैंने इसको सीखना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड से ज़्यादा अच्छा कोई फील नहीं लगा। ठीक है, और इस फील्ड को समझने में आपको सिर्फ 15 दिन लगते हैं कि ये वाकई ही जेन्युइन फील्ड है कि नहीं है, लेकिन आपको इसमें लर्निंग के लिए, आपको पता है आप पूरी लाइफ भी लर्निंग करते हो। बिल्कुल, मैं शायद अभी भी उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि आप पूरी लाइफ लर्निंग करते हो। कैसा फील होता है, मतलब क्योंकि आप पाकिस्तान की पहली ऐसी वुमेन है जिन्हों मतलब ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट हैं, तो कैसा फील होता है आपको जब आपके पेरेंट्स को लोग आके ये मतलब बोलते हैं कि माशाल्लाह से आपकी बेटी है और ये ऐसे, मतलब क्या फीलिंग होती है? पहले तो बाबा को लगता था कि ऑनलाइन फील्ड है, मतलब फेक होगी, फ्रॉड होगा। ठीक है, मेरे बाबा ने मतलब मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। अगर एक आपके लिए ना, वो कह सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छा ये प्लस पॉइंट है कि मतलब आपकी फैमिली सपोर्टिव है। सम मतलब समाव ऐसा होता है कि गर्ल्स करना चाहती हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। अगर शायद मेरी मदर के माइंड में यही होता कि मैंने घर में बर्तन धोने हैं तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। ठीक है, तो मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे फादर को स्टार्टिंग में कि चलो कुछ नया ट्राई करिए, करने दो। ठीक है, लेकिन बाबा को शायद तब तक ट्रस्ट नहीं आया था जब तक उन्हें लोगों ने आके नहीं बोला कि आपकी बेटी इस लेवल पर है। वाओ, दैट्स ग्रेट ना। और माशाल्लाह अब जब मैंने ओपनिंग की, आपको बताऊं, मैंने जिस दिन अपने ऑफिस की ओपनिंग की थी ना, मैंने अपने फादर को अपनी सीट पर बिठाया था एंड ही वॉज क्राइंग। आई जस्ट, मुझे मेरे लिए वो फील, आई मीन वो टाइम जो था ना, वो नहीं बता सकते, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि जब मेरे फादर मेरी सीट पर बैठे थे और उनका आंसू यूं गिर रहा था। तो मतलब ये जो फील है ना, जब लोग आके आपको बताते हैं, आपके पेरेंट्स को बताते हैं कि आपकी बेटी इस लेवल पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ऐसे ही होता है कि मतलब ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही फख्र की बात होती है कि उनकी बेटी ने वो कर दिखाया जो मतलब शायद उनका बेटा भी नहीं कर पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, और एक भाई मेरा एयरसेल में होता है। एक्चुअली मेरी जो फैमिली है ना, वो मोस्टली एयरलाइन फील्ड से बिलोंग करती है, यानी कि मतलब सच बताऊँ तो मेरा खुद भी एम था कि मैं एयर होस्टेस बनूँ। अच्छा, मैं इस पर मैंने बहुत एफर्ट की और शायद मैं बन भी जाती, क्यों, क्योंकि मेरी एयरलाइन फील्ड से था, मेरे रिसोर्सेज वगैरह भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन बस अल्लाह ने राह दिखाई, बस वो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं होता वो मिल जाता है। बिल्कुल, आपको पता है मेरे छोटे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर थे, वो रेस्टोरेंट चला रहे थे, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, सबसे पहले मैंने अपने भाई को अपने पास बुलाया। वाओ, क्या मतलब, मुझे आपकी जरूरत है, ये फील्ड ऐसी है, मेरे साथ चले। क्यों? क्योंकि जब इंसान को एक चीज भी सपोर्ट किया फिर बहुत ज्यादा, अगर मतलब मैं शायद लेट उठ सकती हूँ अपने भाई को देख के कि चलो वो ऑफिस संभाल लेगा, मैं आराम से सोती रहती हूँ। अच्छा, सोने से याद है मॉर्निंग शो में आने के लिए आप जल्दी कैसे उठ गई? सरना काश का भी थैंक्स और आप लोगों का भी थैंक्स, देसी टीवी का थैंक्स कि वो चाहते थे कि मतलब लोगों तक ये बात पहुँचे। ठीक है, तो मेरा भी एम यही है कि लोगों तक मैं इस फील्ड को लेकर जाऊँ, तो शायद यही वजह थी कि उसने मुझे आज जल्दी जगा दिया कि मैं लोगों तक इस फील्ड को लेकर जाऊँ। सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती होगी। ज़ाहिर है मेरी फील्ड ऐसी है कि मतलब इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, तो मैं रात तक काम किया, सुबह आराम से उठा। अच्छा किंजा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँ, लेकिन अब ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि मुस्तकबिल के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो ई कॉमर्स का इंतखाब जिन लोगों ने किया हुआ है उनके लिए इसका स्कोप कैसा रहेगा आगे? जिन्होंने ई कॉमर्स का इंतखाब कर लिया है उनके लिए तो बहुत
अच्छा है क्यों, क्योंकि अभी से ही वो इस फील्ड में आ गए हैं और आपको पता है कोरोना के दरमियान सारे ऑनलाइन बिजनेस ही चल रहे थे, बाकी सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, ठीक है। तो आपको पता और आगे जाके पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ऑनलाइन का ही बूम है। बिल्कुल, ठीक है। ये कोरोना की वजह से एक प्लस पॉइंट ये हो गया ना कि जो काम 5 साल बाद जाके होना था ऑनलाइन सारा कुछ अभी 2 साल में हो गया, अभी से स्टार्ट हो गया है। और बाकी मैं फीमेल्स के लिए देख रही हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे बैठ के काम। अच्छा, मतलब खवातीन के लिए भी ये अच्छा रहेगा अगर वो इसका करें इंतखाब ई कॉमर्स का। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाना, ये इसमें बस आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। आप मरी हो, आप कहीं पे भी हो, आप अपने घर में बैठ के 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को चला सकते हैं। मतलब शादीशुदा औरतें भी ये काम कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। तो हमारी जो खवातीन इस वक्त हमें देख सकती हैं, उनको यही मैसेज देना चाहेंगी किंजा कि अगर उनकी शादी होगी, अगर उनको लगता है कि वो बिजनेस नहीं कर सकती, ऑफिस नहीं जा सकती, तो यार लैपटॉप रखो, इंटरनेट घर पे आजकल तो हर घर पे होता है, ठीक है, और लैपटॉप भी तकरीबन ऑलमोस्ट सबके पास ही होता है, तो अपना घर से बिजनेस स्टार्ट करें भाई, किसी की जरूरत ही नहीं मोहताजी की हम ऑफिस जाएं, झंझट सारा। इस फील्ड का ये है कि आप एम्प्लॉय नहीं होते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अच्छा, इससे आपको मतलब मंथली इनकम कितनी हो जाती है, कितनी अर्निंग कर लेते हैं? मेरी इनकम 3 to 1 million पर मंथ। पर मंथ, वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब आपको पता है बिजनेस कोई भी, उसमें आपके पास फिक्स फिगर नहीं होता, फिक्स फिगर नहीं होता, तो हमारा डिपेंड करता है कि मतलब इस मंथ कितनी सेलिंग हुई, क्या हुआ, तो मतलब मिनिमम मिनिमम 3। Wow, that's great. अच्छा, ई कॉमर्स में आपको कौन से मसाइल का सामना आया, मतलब ज्यादा आपको क्या लगा कि कहाँ पे आपको ज्यादा हर्डल्स आ रही हैं, मतलब यहाँ पे आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, मतलब आपको लग रहा है कभी एक ऐसा स्टेज आया कि आपको लगा कि यार बस मुझसे नहीं होगा, मतलब बंदा होता है ना हिम्मत हार जाता है, कुछ ऐसा बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया ना Amazon में वर्किंग के 3-4 सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो सबसे मेन था प्राइवेट लेबल जो मैंने स्टार्टअप में लिया था, ठीक है। तो उसमें नए सिरे से लॉन्चिंग होती है, तो उसमें ना आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ जाना पड़ता है, 15 से 20 लाख, और इसमें भी आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट और मतलब क्लाइंट काम करते हो, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि मतलब आपको क्लाइंट मिलता है, वो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट देता है, और आपको जो है ना फिर उसके पास कहीं 8 महीने बाद जाके प्रॉफिट आना शुरू होता है। शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 4 महीने, लेकिन जो मेन है वो लगभग आपको 8 महीने 7 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि कोई बंदा इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने काम तो सीख लिया था, लेकिन मुझे क्लाइंट नहीं मिलते थे जिनकी वजह से मतलब मैं अर्निंग लेवल पर आ सकूँ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। तो बस ये एक टाइम था जिसमें मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो गई थी कि शायद एज अ फीमेल मैं बिजनेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट था जिसने मुझे ये कहा था कि लड़कियां बिजनेस कर ही नहीं सकती। अच्छा, और वो सो कि वो अभी आपको देख रहे हो और आपको सुन रहे हो, तो उनके लिए तो ये बहुत एक्चुअली एक बात बताऊं, उस बंदे ने मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट किया था। अच्छा, एंड ही सेड कि किंजा पे प्लीज मेरा वर्क कर दे। मैंने कहा सॉरी, क्यों, क्योंकि उसने जब ना भी ऐसे ही चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि मतलब मैंने उसे ये नहीं बोला सॉरी, मैंने कहा मैं आपका वर्क नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको किसी लड़के को रेफर कर सकती हूँ। ये तो आपने अच्छा किया। अच्छा किंजा, बताइएगा कि ये जो आपने एक एजेंसी मतलब स्टार्ट की हुई आपकी अपनी है, उससे भी अर्निंग आ रही है आपको और उसमें आप वर्क सिखा रही हैं, इस चीज़ का आइडिया कैसे मतलब आया आपको? निम्रा सच बताऊँ ना, तो ये जो मैंने एजेंसी बेस की है ना, ये मैंने इनकम के लिए बेस की ही नहीं है, ये बेस है लोगों को काम सिखाने पर। जस्ट लाइक मतलब मैंने जो type. बिल्कुल हुआ ये का था कि मतलब जब मैं काम कर रही थी ना, तो आपको पता है लोगों को होता है कि खुद तो कमा रहे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्टेड माई एजेंसी जिसमें मैं मतलब लोगों को काम सिखा रही हूँ। आपको पता है कोई भी एजेंसी अपने स्टूडेंट पे इन्वेस्ट नहीं करती। अच्छा, हम अपने स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, हम उनको अर्निंग लेवल पर लेकर आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इतना वो हमें पे नहीं कर रहे शायद फीस जितना हम उन पे लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एम है कि जो हमसे सीखे वो अर्निंग लेवल पर आए। एजेंसी मतलब आपने बनाए हुए कितना इसको टाइम हो गया इसको वर्क करते हुए? जो इजी अर्न के नाम से मैंने एक एजेंसी बनाई है उसको तो 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरे मेंटोर हैं सर शुएब और सर शफकत जिनसे मैंने काम सीखा। अच्छा। था, अल्लाह उन्हें खुश रखे, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है।
तो वो इस फील्ड में 7 साल से, ठीक है, तो हम लोग इस फील्ड में, फिर मैंने आपको बताया ना मैं 2.5 साल से, तो मतलब उनसे मैंने ये काम सीखा, मैं वर्किंग कर रही थी, देन वी प्लान के अब हमें इसको इंस्टीट्यूशन लेवल पे लेकर आना चाहिए, और अब मेरे मेंटोर और मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। अच्छा, मतलब इजी एंड में वो मेरे पार्टनर हैं, ठीक है, और हम लोग इसको मिलकर लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपका मेंटोर है वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, और हमारी एजेंसी का भी यही एम है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बनाए। अच्छा, हम लोग एम्प्लॉयज या मतलब लोगों को ये ना करें कि आप एम्प्लॉय हमने मुलाजिम रखा हुआ है या फिर आप हमारे अंडर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको ये शो करवाते हैं कि आप यहाँ पे आ रहे हैं अपने लिए, आ रहे हैं अपने लिए वर्क करें, आप खुद एक बिजनेसमैन से बन के निकले। बिल्कुल ऐसा ही है, आप हमारे लेवल पे हो। हाँ जी, तो अभी तक वहाँ से आपकी एजेंसी से कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब एज अ बिजनेसमैन बन के निकले हैं, जो प्रॉपर वर्किंग करके निकले और जो यहाँ से कमा रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरे अपने अंडर जो वीएस है ना, ठीक है, वो इस टाइम 200 से ज्यादा है। अच्छा, और हम लोग अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट्स मोर देन 150 अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जो मेरी टीम में, ठीक है, और ये वो हैं जो हमारे टीम के साथ अटैच हैं। अब हमने ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दी हुई है कि आप हमारे साथ भी काम कर सकते हो, आप अपना खुद का भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है, तो इतने लोग अभी मेरी टीम के साथ अटैच हैं। और उसके अलावा देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिन्होंने सीखा और अपना खुद का बिजनेस बनाया, खुद की एजेंसी बनाई। खुद का बिजनेस बनाने के बाद भी वो आपके साथ अटैच है या अलग हो चुके हैं? नहीं, अटैच तो वो है, हम उन्हें लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं कि अगर उन्हें कहीं इशू आएगा तो वी आर हियर फॉर यू। अच्छा, बट वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऑफिस आके काम कर रहे हैं या ऑल दैट, वो मतलब अपने घरों पे बैठ के अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हम अपने स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो जिन पे इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली वो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, वो हमारे अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नौजवान नस्ल तो नहीं कहूँगी, बेशक वो क्रॉस जेंडर हो, बेशक वो फीमेल हो, बेशक वो एक एजेड आदमी हो, आपको पता है लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि बस हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ तक के चिल्ड्रंस, आपको पता है मेरे पास 7th class का स्टूडेंट है जो काम कर रहा है मेरे साथ। अच्छा, ये इसी में, इसी कॉमर्स में, इसमें कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं ना कि मतलब आपको अलजबरा आना चाहिए, आपको बहुत हैवी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप इसमें काम कर सकते हो। ये तो फिर एक प्लस पॉइंट हो गया कि मतलब कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, आप भी कर सकती हैं, आप अगर यहाँ पे कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पार्ट टाइम लेके नहीं चल सकती हैं, आप भी लेकर चल सकती हैं। ये फीमेल्स के लिए, ये क्रॉस जेंडर्स के लिए, मतलब वो भी इस बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं, आपको बस इसको सीखने और काम करने। आपको पता है सिखाने के लिए किंजा फारूक का जी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आ सकते हैं आप, मोस्ट वेलकम। मैं बस ये कहती हूँ कि आप इस काम को सीखो, मैं नहीं तो और भी बहुत से इंस्टीट्यूट होंगे जिनके पास आप जा सकते हो, लेकिन इस फील्ड में आए। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम भी सिर्फ ये एक फील्ड थी जो चल रही थी, बाकी सारी फील्ड्स बंद हो चुकी थी। और मैं उन लोगों को भी कहूँगी जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं कि वो भी अपना बिजनेस ऑनलाइन की तरफ लेके आए, बेशक वो फेसबुक मार्केटिंग करें, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करें, हम लोग तो चलो अमेजोन पे वर्क कर रहे हैं, अमेजोन मतलब USA में हम वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डॉलर, जी हमारी अर्निंग डॉलर्स में होती हैं, जिसकी वजह से आप 1-2 लाख कमाने तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इस फील्ड में, ठीक है, और फ्रीलांसिंग फील्ड है, आप घर पे बैठ के करो, आप कहीं जाके करो, कोई मसला नहीं है। बाकी अपना जो भी बिजनेस आप चला रहे हो उसको ऑनलाइन की तरफ लेके आओ। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया करता कि जो खवातीन है, जो शादीशुदा है, जो ऑफिस नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल ऐसा, और कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको घर से घर वाले परमिशन नहीं देते बाहर जाने की, तो वो घर बैठकर भी ये बिजनेस कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं और अपना भी एक नाम बना सकती हैं। किंजा फारूक, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें वक्त दिया और हमारे नाज़रीन ने आपको देखा, आपको सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको भी आपकी बातें अच्छी लगी होंगी, इंस्पायर हुए होंगे वो भी आपकी बातों से, और आई होप कि जो हमारी फीमेल्स हैं घर बैठी हुई हैं वो भी अपने लिए कुछ करें, घर से नहीं निकल सकती तो घर में रहकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट निमरा मलिक को इजाजत, अल्लाह हाफिज।